गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जीएसटी रिफंड से रिलेटेड एक रिलैक्सेशन जो दी गई है सर्कुलर इशू करके उसके विषय में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी जीएसटी रिफंड के अंदर जो ये रिलैक्सेशन मिली है इसका आप कैसे बेनिफिट ले पाएंगे, सारी इंफॉर्मेशन अच्छी तरीके से समझ में आ सके। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये मैंने ओपन करा है सर्कुलर नंबर 135 जो 31 मार्च 2020 को इशू किया गया था। इसका जो सब्जेक्ट है वो है क्लैरिफिकेशन ऑन रिफंड रिलेटेड इश्यूज। रिफंड से जुड़े कुछ इश्यूज उसको क्लैरिफाई किया गया है। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट दिया गया है वो है बंचिंग ऑफ रिफंड क्लेम्स अक्रॉस फाइनेंशियल ईयर्स। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर टैक्स पीरियड का रिफंड अप्लाई करते हैं तो एक साथ आप कितने महीने का और कितने क्वार्टर का अक्रॉस द फाइनेंशियल ईयर्स आप रिफंड अप्लाई कर सकते हैं। सपोज आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट और आउटवर्ड सप्लाई किसी एक फाइनेंशियल ईयर के लास्ट क्वार्टर में फॉल करता है, तो अब दिक्कत यह आती है कि जब आप रिफंड अप्लाई करते हैं तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर में आपका सप्लाई हुआ है उस फाइनेंशियल ईयर को आप सिलेक्ट करते हैं, लेकिन जो डिटेल्स ऑफ इनवॉइसेस, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने क्लेम किया होता है वो होता है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का। तो उन सारी चीजों में काफी प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि अभी तक ये प्रोविजन जो है रेस्ट्रिक्ट करता था कि आप रिफंड क्लेम को मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर बंच नहीं कर सकते। एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर आप मल्टीपल मंथ्स तो कर सकते हैं लेकिन एक फाइनेंशियल ईयर से दूसरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर बंचिंग रेस्ट्रिक्टेड थी। देखिए सारी चीजें क्या यहां बताई गई हैं। इट मे बी रिकॉल्ड दैट द रेस्ट्रिक्शन ऑन क्लबिंग ऑफ टैक्स पीरियड अक्रॉस डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर्स, टैक्स पीरियड को क्लब करना डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर वो रेस्ट्रिक्ट किया गया था वाइड पैरा 11.2 ऑफ सर्कुलर 37 डेटेड 15 मार्च। मैंने वो सर्कुलर भी ओपन करा है जिसकी यहां पर बात की गई है और ये सर्कुलर है सर्कुलर नंबर 37। इसका पॉइंट नंबर 11 ये बात करता है फाइलिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफंड्स कि रिफंड जो अप्लाई होगा वो कैसे टैक्स पीरियड डिटरमाइन किया जाएगा। इसका जो 11.2 का पॉइंट है इसमें बताया गया इन दिस रिगार्ड It is hereby clarified that the exporter at his option may file refund claim for one calendar month or one quarter, अगर आप quarterly file करते हैं, or by clubbing successive calendar months or quarters, the calendar months or quarter for which refund claim has been filed, however, cannot spread across different financial years. तो ये जो point है ये बिल्कुल clear करता था पहले कि आपको जो refund apply करना है वो आप क्लब कीजिए लेकिन सेम फाइनेंशियल ईयर के अंदर, डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर में जाकर के आप पीरियड्स को क्लब नहीं कर सकते। द सेड सर्कुलर वाज रीसाइंडेड बीइंग सब्ज्यूम्ड इन द मास्टर सर्कुलर ऑन रिफंड्स नंबर 125 डेटेड 18/11/2019। इसके बाद एक मास्टर सर्कुलर आया जीएसटी रिफंड को लेके 18/11/2019 को और उस सर्कुलर के अंदर भी इस चीज को सब्ज्यूम किया गया, रिसाइंड किया गया, सब्ज्यूम कर लिया गया। एंड द सेड रिस्ट्रिक्शन ऑन द क्लबिंग ऑफ टैक्स पीरियड अक्रॉस फाइनेंशियल ईयर्स फॉर क्लेमिंग रिफंड दस हैज बीन कंटिन्यूड। और उसका जो क्लबिंग का जो था चक्कर कि अक्रॉस फाइनेंशियल ईयर्स क्लब किया जा सकता है उसको रेस्ट्रिक्शन दिया गया उस मास्टर सर्कुलर के अंदर भी जो कि यहां पर प्रोड्यूस किया गया है। सर्कुलर नंबर 37 मैंने आपको दिखा दिया, सर्कुलर नंबर 125 जिस चीज की बात करता है वो यहां पर दिया गया है। द एप्लीकेंट एट हिज ऑप्शन मे फाइल अ रिफंड क्लेम फॉर अ टैक्स पीरियड और बाय क्लबिंग सक्सेसिव टैक्स पीरियड्स। ये बात तो मैंने आपको बता दी कि सेम फाइनेंशियल ईयर के अंदर डिफरेंट टैक्स पीरियड्स को क्लब किया जा सकता है। द पीरियड फॉर विच रिफंड क्लेम हैज बीन फाइल्ड, जिस पीरियड के लिए रिफंड क्लेम फाइल हो चुका हाउएवर कैन नॉट स्प्रेड अक्रॉस डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर्स, वो आप डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर स्प्रेड नहीं कर सकते। मतलब अगर आप दो फाइनेंशियल ईयर्स के क्वार्टर को क्लब करना चाहेंगे तो वो नहीं अलाउड था। रजिस्टर्ड पर्संस having aggregate turnover of up to rupees 1.5 crores in the preceding financial year or the current financial year opting to file GSTR 1 on quarterly basis can only apply for refund on a quarterly basis or clubbing successive quarters as apportioned. अगर आप monthly file करते हैं तो आप months को club कर सकते हैं, quarterly file करते हैं GSTR 1 तो आप quarters को club करके quarterly refund भी file कर सकते हैं same financial year में। However,
रिफंड क्लेम्स अंडर कैटेगरीज एज लिस्टेड अबव ऑन ए सी एंड ई, जो कि बेसिकली एक्सपोर्ट से रिलेटेड है इन पैरा 3, अबव मस्ट बी फाइल्ड बाय द एप्लीकेंट क्रोनोलॉजिकली। इसमें जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड रिफंड होता है उसको अप्लाई करने के लिए क्रोनोलॉजी आपको फॉलो करना ही होगा, मतलब आपको चलना होगा स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं कर सकते कि 17-18 का आपने रिफंड क्लेम नहीं किया, आप 18-19 का क्लेम कर ले फिर 17-18 कर ले, नहीं होगा। पहले 17-18 का कीजिए फिर 18-19 का आप कर सकेंगे। दिस मीन्स दैट एन एप्लीकेंट आफ्टर सबमिटिंग अ रिफंड एप्लीकेशन अंडर एनी ऑफ द कैटेगरी फॉर अ सर्टन पीरियड शैल नॉट बी सब्सिक्वेंटली अलाउड टू फाइल अ रिफंड क्लेम अंडर द सेम कैटेगरी फॉर एनी प्रीवियस पीरियड। अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर टैक्स पीरियड के अंदर किसी एक कैटेगरी में रिफंड क्लेम कर लिया है तो सेम कैटेगरी में आप उससे बैक जाकर के दोबारा रिफंड अप्लाई नहीं कर पाएंगे। This principle limitation, however, shall not apply in cases where a fresh application is being filed pursuant to an issuance of deficiency memo. लेकिन आपने refund apply किया किसी एक category में, उसका deficiency memo आ गया, तो अब आप दोबारा से fresh application कर सकते हैं, उसमें कोई restriction नहीं था। ये बताता था circular number 125। अब देखिए आगे क्या हुआ। Honorable Delhi High Court in order number 21/2020 In the case of Messrs. Pitambara Books Private Limited, wide para 13 of the said order has stayed the rigor of paragraph 8 of circular 125 and has also directed the government to either open the online portal so as to enable the petitioner to file the tax refund electronically or to accept the same manually within 4 weeks from the order. Lekin हाई कोर्ट ने ये बिल्कुल भी खारिज कर दिया कि आप इस तरीके से रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते रिफंड अप्लाई करने के लिए, या तो आप उसे ऑनलाइन कीजिए या आप मैनुअली एक्सेप्ट कीजिए। ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट वाइड पैरा 12 ऑफ द अफोरसेड ऑर्डर हैज ऑब्जर्व दैट द सर्कुलर्स कैन सप्लेंट बट नॉट सप्लीमेंट द लॉ। सर्कुलर्स जो हैं वो लॉ को सप्लीमेंट नहीं कर सकते। सर्कुलर्स माइट मिटिगेट रिगर्स ऑफ लॉ बाय ग्रांटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिलीफ बियॉन्ड रेलेवेंट प्रोविजन। आपको एडमिनिस्ट्रेटिव रिलीफ दिया जा सकता है सर्कुलर्स के द्वारा, लेकिन वो प्रोविजन के दायरे में रह करके ही होगा। ऑफ द स्टैट्यू हाउएवर सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट एम्पावर्ड टू विथड्रॉ बेनिफिट्स और इम्पोज स्ट्रिक्टर कंडीशंस देन पोस्टुलेटेड बाय द लॉ। जो लॉ में लिखा गया है उससे ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस आप सर्कुलर के माध्यम से नहीं लगा सकते। फर्दर सेम इश्यू हैज बीन रेज्ड इन वेरियस अदर रिप्रेजेंटेशंस आल्सो, स्पेशली दोज रिसीव्ड फ्रॉम द मर्चेंट एक्सपोर्टर्स वेयर इन मर्चेंट एक्सपोर्टर्स हैव रिसीव्ड द सप्लाईज ऑफ गुड्स इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर एंड हैव मेड एक्सपोर्ट्स इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। मैं आपको जो एग्जांपल दे रहा था उसी एग्जांपल की बात यहां पर करी गई है कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर का जो लास्ट क्वार्टर है, प्रीवियस फाइनेंशियल का जो लास्ट क्वार्टर है उसके अंदर सप्लाई रिसीव करी गई है और एक्सपोर्ट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में किया गया, दैट इज फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड्स द रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड वाइड पैरा 8 ऑफ द मास्टर सर्कुलर ऑन रिफंड prohibits the refund of ITC accrued in such cases as well. उन सारे refund को भी वो prohibit करता है, क्योंकि refund April में हो रहा है या April 20 में, और आपका जो supply हुआ है या आपका जो input tax credit है वो आपका है March 20 का, तो financial year change हो गया, इस वजह से refund claim नहीं कर पा रहे। On perusal of the provisions under subsection 3 of section 16 of the IGST Act and subsection 3 of section 54 of the CGST Act, this appears to be no bar in claiming refund by clubbing different months across successive financial years. अब इन्होंने ये बोला है कि जब GST Act पढ़ा गया तो ये पता लगा कि आप financial years अलग-अलग होने के बावजूद भी tax periods को club करके refund apply कर सकते हैं. Thus, the issue has been examined and it has been decided to remove the restriction on clubbing of tax period across financial years. इसीलिए इस restrictions को अब हटाया गया है और आप clubbing of tax refunds, bunching of tax periods for claiming tax refunds across financial years कर पाएंगे. Accordingly, circular number 125 dated 18/11/2019 stands modified to that extent, that is, the restriction on bunching of refunds claim across financial years shall not apply. Bunching of refunds जो है उसका restrictions across the financial years अब खत्म कर दिया गया है, अब आप उसको apply कर सकते हैं, refund claim कर सकते हैं।
अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप हमारे वेबसाइट gstplatform.com पे जा सकते हैं। उसमें आप अपनी क्वेरीज पूछने के लिए कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन दिया गया है, वहां जाकर के आप अपनी क्वेरीज मुझ तक पहुंचा सकते हैं। अगर आपको इंस्टेंटली क्वेरीज का रिप्लाई चाहिए, कॉल पर रिप्लाई चाहिए, तो आप उसके लिए हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विसेज भी ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपको कोई भी तरीके की लॉज या रूल्स को पढ़ने में या समझने में दिक्कत आती है तो आप उसके लिए पेनड्राइव क्लासेस ले सकते हैं। अगर आप YouTube के अंदर अपनी क्वेरीज पूछना चाहते हैं कमेंट के द्वारा, तो आप ज्वाइन बटन का बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि जीएसटी रिफंड के अंदर जो है राहत दी गई है, उसका कैसे बेनिफिट आप ले सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।